हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप्स आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है रोज शेप चिकन ब्रेड। फिलिंग मैंने चिकन की है उसके अंदर और ब्रेड बनाकर। तो ये जैसा कि आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, हम ये वाली ब्रेड तैयार करेंगे और बड़ी मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है ये वाली चिकन ब्रेड जो है। बस शेप मैंने उसकी ऐसी दे दी है। पिछली दफ़ा जो मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी उसकी शेप मैंने वो ब्रेड की दी थी, फिश टाइप भी थी उसकी शेप। इस दफ़ा जो है वो ये रोज ब्रेड शेप मैंने दी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जो है सबसे पहले मैंने ईस्ट ले ली थी, जिस तरह से हमेशा से मैं करती हूँ और हमेशा से मैं आपको बताती हूँ कि पानी के अंदर उसको एक्टिवेट कर लिया करें पहले। ईस्ट का ये एक साशे बड़े आराम से मिल जाता है। ये मैंने हाफ यूज़ किया, 1 टेबल स्पून तकरीबन, नहीं ये मैंने फुल यूज़ किया था। तो शुगर जो है 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने फ्लोर ज़्यादा लिया है। अच्छा, इसको वार्म वाटर के अंदर ईस्ट को शुगर के साथ हम लोगों ने एक्टिवेट करना होता है। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, मैं हमेशा जैसे बताती हूँ। डायरेक्ट ईस्ट भी आप फ्लोर के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इस ये वाला स्टेप करने से ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी ईस्ट एक्टिव है या नहीं एक्टिव। अगर वो एक्टिव नहीं है तो ये ना हो कि आपका पूरा बैटर जो है वो ख़राब हो जाए। दैट्स वाई वो वाला जो स्टेप करना ज़्यादा ठीक रहता है। यहाँ पे मैंने 2.5 कप जो है मैंने फ्लोर ले लिया है मैदा, 2.5 कप मैदा लेके मैंने उसके अंदर ईस्ट सॉल्ट डाला है और 2 टेबलस्पून ने ड्राई मिल्क डाला है। बाकी इसकी अपनी वेरिएशंस होती हैं। ये देखें, ये पानी के अंदर स्वेल हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दिया था, आप 10 मिनट्स के लिए रखेंगे तो ये ज़्यादा स्वेल हो जाएगा। और जब ये फूलता है पानी के अंदर तो पता चलता है कि हमारी जो ईस्ट है वो एक्टिव है। अगर वो नहीं फूलता तो उसको मत यूज़ करें, फिर आप नई ईस्ट लेकर आएँ और उसको यूज़ करें, अदरवाइज़ ये राइज नहीं करेगा आपका फ्लोर। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती हैं। इस फ्लोर के अंदर आप अंडा डाल लें, आप दूध के अंदर इसको नीट कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल लगा के उसको ढक के गर्म जगह पे आप उसको फ्री रख दें। बिल्कुल वार्म प्लेस पे उसको रखना है, क्योंकि वो जितना वार्म प्लेस होगी उतना वो ज़्यादा राइस करता है। उसको तकरीबन 20 to 30 मिनट्स लगते हैं राइस होने के लिए। ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था विदाउट एनी स्पाइसेस। बॉईल करने के बाद उसको श्रेड कर लिया था। उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। ये हरा प्याज है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें, अगर नहीं करना चाहते तो आप मत करें। तो ये इसकी जो है मैं फिलिंग रेडी कर रही हूँ। फिलिंग अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी चॉइस होती है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब फिलिंग के अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। ये मैंने सॉल्ट 1 टेबल स्पून डाला है और जो ये ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्ची है, ये भी 1 टेबल स्पून। ये क्योंकि मेरा स्पून बहुत छोटा है इसलिए मैंने 2-3 दफ़ा डाला है। और ये ज़ीरा है, ज़ीरा मैंने डाला है 1 टेबल स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से। और जो कुछ आप ऐड करना चाहते हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बटर चिलीज़ जो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। ये विनीगर है, मैंने इसमें विनीगर ऐड किया है। आप चाहें तो इसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं, हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लें इसके अंदर, उसका भी बड़ा टेंजी सा टेस्ट, बहुत मज़ेदार सा लगता है। ये मैंने, ये फिलिंग रेडी हो गई है। फिलिंग आप कोई भी वैसे बना सकते हैं, वेरिएशंस अपनी मर्ज़ी पे, आपकी जो भी मर्ज़ी आप ऐड करें। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 30 मिनट्स हो गए थे, इसको मैंने वार्म प्लेस पे अपने कैबिनेट्स के अंदर ढक के इसको अच्छी तरह से कवर करके मैंने रखा हुआ था। तो ये देखें कितना राइज हो गया। मैंने इसको पंच डाउन किया और पंच डाउन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीट कर रही हूँ, गूंद रही हूँ। और इसके बाद जो है हम इसको कट कर लेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से इसको बेल सकें और इसकी शेप जो है कट कर सकें। हम लोग बना रहे हैं रोज़ शेप ब्रेड। तो कोई भी आप ग्लास ले लें, राउंड कटर अगर आपके पास है बड़े साइज़ का तो आप वो ले लें। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ये थोड़ा छोटा है, थोड़े छोटे साइज़ के राउंड्स जो हैं वो मैंने कट किए हैं। इसके बाद जो मैं थोड़ा सा बड़ा राउंड कट करूँगी। किसी भी चीज़ से आप कट कर सकते हैं, कटर से, कुकी कटर जो होते हैं आप उससे कट कर सकते हैं। अच्छा, छोटी शेप भी अच्छी लगती है और थोड़ा सा बड़ा भी अच्छा लगता है। आप इससे छोटा भी बना सकते हैं, इससे थोड़ा छोटा कट कर लें तो इससे थोड़ा छोटा बन जाएगा। इस तरह से इसको रख के चारों को तो फिलिंग ऐड कर लें। मेरी एक्चुअली फिलिंग थोड़ी ज़्यादा मैंने ऐड कर दी थी। फिलिंग अपने हाथ में होती है, जितना भी आपका दिल करे आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो फिलिंग का ये है कि आप थोड़ा सा ऐड करें, इस तरह से उसको अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लें फिलिंग को, ताकि वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए।
अब मैंने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड की है। फिलिंग को मुझे थोड़ा डालना चाहिए था, मोज़रेला चीज़ ऐड करती तो वो सही रहना था, अभी भी ठीक था। आप फिलिंग को थोड़ा कम कर लें और मोज़रेला चीज़ ऊपर से डालें। मोज़रेला चीज़ का ये होता है कि जब आप ब्रेड को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से तार निकलती है। वैसे भी चीज़ का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में। अच्छा, इस तरह से फिर आप इसको फोल्ड करेंगे और जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे तरीके से आपने फोल्ड करना है, दबाना है, और इस तरह से आप इसको फोल्ड कर देंगी तो देखें वो जैसे वो गुलाब होता है, रोज़ होता है, ये उसकी शेप में आ गया। ये थोड़ा छोटा कटर था इसलिए थोड़ा छोटा रोज़ बना है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कट करूँगी, उसकी शेप ज़्यादा वाज़ेह होगी, ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये मैंने, मेरे पास एक जार पड़ा हुआ था उसका ढक्कन लिया मैंने थोड़ा बड़ा शेप कट करने के लिए। थोड़े से राउंड्स जो हैं वो बड़े हैं, इसके अंदर मैंने उतनी ही फिलिंग ऐड की है, देन मोज़रेला चीज़ ऐड की है। मोज़रेला चीज़ तो मेरी हर चीज़ के अंदर ही आती है ना, जो भी चीज़ मैंने बनानी हो मैं उसके अंदर डालती हूँ। एक और इसके अंदर मैं अभी जो नेक्स्ट एक और फिलिंग मैं आपको बताऊँगी, ये तो चिकन की फिलिंग मैंने ऐड की है। ये रोज़ शेप देखिए कितनी खूबसूरत सी रोज़ की शेप बन गई है। अब इस तरह से इसको ऑयल ब्रश कर लें, ऊपर से ऑयल का हाथ हल्का सा लगा लें, ब्रश कर लें, और इसको ग्रीस्ड पैन के अंदर मैंने ये ओवन की ओवन का पैन था उसके अंदर मैंने इसको रखा है 12 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे। इसको मैंने ओवन के अंदर रख दिया है। जो शुरू के 10 मिनट्स होंगे वो मैंने नीचे वाली ग्रिल ऑन की है, सिर्फ नीचे वाली ग्रिल ऑन है विद फैन, कन्वेक्शनल ओवन है। और जो लास्ट वाले 2 मिनट्स होंगे वो मैं ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके इसको कलर दूंगी। अच्छा, ये मैं दूसरी फिलिंग कर रही हूँ, ये बहुत मज़े का बना था। ये मैंने क्रीम चीज़ ऐड किया और उसके अंदर मैंने बॉयल्ड एग डाला है। ये बहुत बहुत मज़े का लगता है ये इसके अंदर ना। अच्छा, इसके अंदर अगर आप हनी भी ऐड कर लेंगे ना वो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा एग के साथ। तो इसको भी मैंने फिर इसके साथ ही ऐड कर दिया था, थोड़ा सा बैटर मेरा बच गया था तो उसके अंदर भी मैंने चिकन की फिलिंग करके तो मैंने वो गोल सा बना के उसको भी मैंने रख दिया। तो तकरीबन 12 मिनट्स इसको लगे थे, 10 to 12 मिनट्स। ये ओवन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी और किस तरह से वो आपका ओवन आपको रिज़ल्ट देता है। तो ये मेरे बन के रेडी हो गए थे, ऊपर से मैंने कलर दिया इनको, तकरीबन 2 मिनट लगे हैं ऊपर से कलर आ गया। और ये जो दूसरा मैंने एग वाला बनाया था बहुत मज़े का बना था, मायो ये चीज़ लगा के, क्रीम चीज़ जो बोटल वाली क्रीम चीज़ होती है मैंने वो यूज़ की थी, और उसके अंदर मैंने बॉयल्ड एग और ये ब्रेड बन गई। ये एग ब्रेड थी और दूसरा जो है रोस्ट शेप ब्रेड थी। होप सो कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।